वालेकुम नाजरीन मैं हूँ आगा गुलाम हैदर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ प्रोफेशनल स्टडीज़ सेक्शन में होप टीवी ने असातजा की और तरबियत के लिए और इस मुल्क को अच्छे असातजा दस्याब करने के लिए एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिस प्रोग्राम का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा कि हम इस की तरबियत के लिए कि वो क्लास रूम के अंदर स्टूडेंट्स को किस तरह क्लास में लर्निंग में और उनके सीखने और सिखाने के अमल में इंगेज कर सकते हैं उसके लिए हमने आज एक लेक्चर रखा है और वो लेक्चर है ब्लूम्स टेक्सानोमी के ऊपर एज़ प्रैक्टिकल टीचर्स आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स सोचते कैसे हैं उनकी थिंकिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो सीखते कैसे हैं तो इस सारे अमल के दौरान ब्लूम्स टेक्सानोमी का बहुत अमल दखल है अगर हम ये जान जाएं कि एक स्टूडेंट एक लर्नर उसकी सोच के ये ये मराहल होते हैं ये ये स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि उसको कौन सा मुश्किल टास्क दिया जा सकता है कौन सा आसान टास्क दिया जा सकता है याद करने के लिए सीखने के लिए और अपने सीखे हुए को अप्लाई करने के लिए तो इस मसले को सुलझाने के लिए जो बहुत ही अहम प्रोसेस है वो है ब्लूम्स टेक्सानोमी का हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लूम्स टेक्सानोमी है क्या ब्लूम कौन था टेक्सानोमी का मतलब क्या है तो ब्लूम इसका नाम इसको इन्वेंट करने वाले उस्ताद इन्वेंटर रिसर्चर सर बेंजमिन ब्लूम के नाम से रखा गया और टेक्सानोमी का मतलब होता है चार्ट डायग्राम आउटलाइन कोई भी प्लान यानी जब हम किसी भी चीज़ को एक तरतीब में इस तरह बयान करें कि वो समझने वाले की आसानी के साथ समझ में आ जाए तो उसको हम टेक्सानोमी कहते हैं अगर और इसको आसान बनाएं तो टेक्सानोमी का मतलब डिवीज़न होता है तकसीम होता है डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो हम आपके सामने एक स्लाइड चल रही होगी जिस पे आप देख रहे होंगे कि इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि व्हाट इज़ मैंट बाय टसानोमी का मतलब क्या है ब्लूम्स टेक्सानोमी को अगर हम डायग्राम की सूरत में प्रेजेंट करें अगर हम एक चार्ट की मदद लें एक तस्वीर की मदद लें तो ये पायरामिट यानी ये कौन की सूरत में हमारे सामने आता है इसको मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट किसी भी लर्नर किसी भी इंडिविजुअल की थिंकिंग एक्सप्लोर करना चाहें तो आप उसको छः मुख्तलफ़ मराहल स्टेज़स में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं सबसे पहले उसमें टॉप और बॉटम को हम देखेंगे तो जो टॉप पे आपको नजर आ रहा है वो एवेलुएशन है एवेल्युएशन और जो बॉटम पे नजर आ रहा है वो नॉलेज है इसको उल्टा दें तो नॉलेज टॉप पे चला जाएगा और इवेल्यूएशन बॉटम पे आ जाएगा इसके छह मुख्तलिफ स्टेप्स हैं छह इसकी स्टेजेस हैं जिसने हम ब्लूम्स टेक्सानोमी सिक्स लेवल्स ऑफ थिंकिंग कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाए कि सर बेंजमिन ब्लूम कौन थे ही वॉज अ टीचर ही वॉज़ अ थिंकर ही वॉज एन इन्वेंटर एंड अ रिसर्चर उनका असल मौजू ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि स्टूडेंट्स सोचते कैसे हैं ये बड़ा मुश्किल कम्प्लैक्स पचीदा सवाल होता है कि आप सोचते कैसे हैं आपका माइंड काम कैसे करता है अगर यही समझ में आ जाए कि जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठा हुआ है जिसको हम पढ़ाने लगे हैं जिसको हम कुछ समझाने लगे हैं उसकी थिंकिंग की कौन कौन सी डिवीजनस हैं उसकी थिंकिंग काम किस तरह करती है वो सोचता किस तरह है और उसकी सोच के डिफ़रेंट आस्पेक्ट्स कौन से हैं पहलू कौन से हैं तो मेरा ख्याल है वो आसान हो जाता है तो सर ब्लूम का ये एहसान है इस पर भी स्टूडेंट्स पर भी कि उन्होंने इंसान के सोचने के अमल को समझा दिया कि इंसान किस किस तरह और किन किन मराहल में सोचता है अब मैं आपको उन छः लेवल्स के बारे में अलग अलग बताऊंगा कि वो कौन से लेवल हैं जो सबसे पहला लेवल है वो है नॉलेज जो दूसरा लेवल है वो है कंप्रिहेंशन जो तीसरा लेवल है वो है एप्लीकेशन फोर्थ चौथा लेवल एनालिसिस का आता है पांचवां लेवल सिंथेसिस है और छठा लेवल इवेलेशन का है बाज रिसर्चर्स महकिन ने पांचवें और छठे लेवल को आपस में मर्ज भी किया हुआ है यानी वो ये कहते हैं सिंथेसिस और इवेलुएशन एक ही लेवल हैं दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड हैं इंटरवाइंड हैं दोनों आपस में मरबूत ताल्लुक रखते हैं तो ये लेवल्स थे नाजरीन अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का जाइएगा नहीं हमारे साथ रहिएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद